ये कोविड को देखते हुए, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए गए, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बार बार हम लोगों को यह समझाया जा रहा है कि चूँकि पुलिस को फ्रंट लाइन में रहकर वो ड्यूटी भी करना है तथा इस संक्रमण से बचना भी है, इसको लेकर हमको बार बार जो निर्देश दिए गए उसमें ये था कि जो भी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं उनको सिंगल उनके रुकने की व्यवस्था कराई जाए, कम से कम आगामी 15 दिन सभी लोग इस चीज़ का पालन करें, प्लस उनके भोजन की व्यवस्था भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कराई गई है। इसके साथ ही गर्म पानी की व्यवस्था यहाँ थाने पर कराई गई है, दोनों टाइम जो उपस्थित बल है उसको गर्म पानी के गरारे कराए जा रहे हैं तथा भाप लेने के लिए भी उनको समझाइश दी जा रही है तथा अन्य जो मेडिकल से रिलेटेड जो टेबलेट्स वगैरह हैं वो भी हम लोगों को हमारे विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, जो कि पुलिस स्टाफ को दी जा रही हैं, सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं तथा इस विषम परिस्थिति में अपने आप को बचाते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सभी लोग अपने कर्तव्य पे उपस्थित हैं और सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक ज़्यादा कम से कम बाहर निकले, जो आवश्यक हो वही लोग निकलें और सभी को आवश्यक समझाइश दी जा रही है। ये कोरोना संक्रमण में पुलिस एक फ्रंटलाइन वर्कर और बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी करती है। हम पुलिसकर्मी संक्रमित ना हो इसके लिए हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा साहब ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक तो हर गणना में हर थाने में जाके वो खुद एक हर जवान को एड्रेस कर रहे हैं, हर जवान को समझा रहे हैं। उनके द्वारा यूनिक पहल की गई है कि जब शाम को गणना होती है तो सभी लोग जो है वहाँ गार्गल करें और वहाँ पर भाप लें और इसी तरीके से हर थाने क्षेत्र में जो हमारे कर्मचारी हैं वो अपने परिवार जन से दूर रहें उसके लिए सभी जगह व्यवस्था की गई है। नीमच कैंट में 50 लोगों की व्यवस्था की गई है, नीमच सिटी में करीब 32 लोगों की व्यवस्था की गई है, इसी तरह करीब 25 से ज़्यादा लोगों की बघाना में व्यवस्था की गई है। जो सिंगल रहते हैं वो अपने घर में रह सकते हैं, बाकी जो अपने परिवार के साथ रहते हैं चूँकि ड्यूटी में उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनको संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा है, तो वो उस संक्रमण को अपने घर तक ना ले जाएं, उसके लिए ये पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये व्यवस्था की गई है। जिंक की उनको टैबलेट्स खिलाई जा रही हैं और ये इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि पुलिसकर्मी संक्रमित ना हो। अभी हमने लगातार इसका COVID-19 का टेस्ट कराने के कैंप लगाए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में और उसमें करीब 340 के करीब जो है टेस्ट किए गए, जो नीमच सब डिवीज़न में और नीमच शहर में जितने भी एसपी ऑफिस वगैरह जितने भी कर्मचारी हमारे रहते हैं उसमें हमको ये फ़ायदा हुआ कि करीब 6 लोग उसमें संक्रमित आए तो उन्होंने हमने उनको जल्दी से आइसोलेट कर दिया तो वो संक्रमण आगे नहीं फैल पाया। हाँ सर, देखिए अगर जिले की बात करें तो जिले के अंदर कितने ऐसे पुलिस वाले जो पॉजिटिव पाए गए? जिले में अभी एक्टिव अभी जो हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं वो 22 की संख्या है और वो सभी जो है ठीक हैं। सुबह शाम हमारे रक्षित निरीक्षक, हमारे जो संबंधित SDOPs TIs की जो जवाबदारी सौंपी गई है वो उनसे टेलीफोन से बात करते हैं, उनकी वीडियो कॉल से डॉक्टर से भी बात कराते हैं और यदि उनको कोई अभी सभी लोग स्वस्थ हैं।